हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोकोनट कुकीज़ बनाएंगे। इस कुकीज़ को मैंने ओवन और कढ़ाई दोनों में बेक किया है। कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए हम यहाँ पे 150 ग्राम मैदा लेंगे। मैदा को हम एक बार छन्नी से छान लेंगे। 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, 100 ग्राम पाउडर शुगर, 100 ग्राम क्लेरिफाइड बटर लेंगे यानी कि घी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट, 3 से 4 बड़े चम्मच दूध लेंगे। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में हम थोड़ा सा नमक फैलाएंगे। अब इसके ऊपर हम रिंग रखेंगे। अब इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें 100 ग्राम क्लेरिफाइड बटर और 100 ग्राम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अब इसे हम मिलाकर 1.5 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। घी और चीनी के मिक्सचर को 1.5-2 मिनट फेंटने से इसमें एक एरिएशन फॉर्म होगी, जिससे ये हल्का हो जाएगा और हमारी कुकीज़ बहुत अच्छी खस्ता बनकर तैयार होगी। घी और चीनी के मिक्सचर को फेंटने के बाद अब इसमें हम बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम 150 ग्राम मैदा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट, 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दूध लगा है। कुकीज़ के लिए सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। अब हम कुकीज़ बनाएंगे। इसके लिए डो में से एक छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसे हाथों से दबाकर पहले हम इसे राउंड शेप देंगे, फिर इसे हम थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और इसे ग्रीस लगी ट्रे में हम अरेंज करेंगे। मैंने इसे राउंड शेप में बनाया है। आप इसे कुकी कटर की मदद से किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुकीज़ को शेप देके मैंने अरेंज कर लिया है। इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे और ट्रे वाले को हम ओवन में बेक करेंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें हम कुकीज़ बेक करेंगे। इसे कवर करके स्लो टू मीडियम फ्लेम में 25 से 30 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम सारे कुकीज़ को एक बार टर्न कर लेंगे, जिससे इसमें दोनों तरफ अच्छा कलर आ जाए। अब इसे हम हल्के हाथों से पलट लेते हैं। कुकीज़ में एक तरफ अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। अब इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए और बेक होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुकीज़ को 12 से 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई वाले कुकीज़ भी अब बेक होकर तैयार है। इसमें दोनों तरफ अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसे करीब 30 से 35 मिनट लगा है बेक होने के लिए। अब इसे हम निकाल कर कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। हमारी क्रंची कोकोनट कुकीज़ बनकर तैयार है। इसे मैंने कढ़ाई और ओवन दोनों में बेक किया है। दोनों बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इस कुकीज़ को मैंने ओवन में बेक किया है। इसमें थोड़ा सा डार्क कलर आया है और इसे मैंने कढ़ाई में बेक किया है। इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। दोनों ही कुकीज़ बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस कुकीज़ को आप महीने भर के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।